इतिहास में सबसे बड़ा हवाई हमला हिरोशिमा नागासाकी पर नहीं बल्कि जापान की राजधानी टोक्यो पर हुआ था। ये हमला अमेरिकन एयरफोर्स ने 10 मार्च 1945 को वर्ल्ड वॉर टू के दौरान किया था। इसमें 325 बॉम्बर प्लेन्स ने एक साथ 1500 टन बॉम्ब्स गिराए और इन बॉम्ब्स की खास बात थी कि ये धमाके से नहीं बल्कि नेपाम केमिकल का यूज करके टारगेट को पूरी तरह आग में जला देते थे। इनका इस्तेमाल खास तौर पर इसलिए किया गया क्योंकि जापान में अधिकतम बिल्डिंग्स लकड़ी की बनी हुई थी और टोक्यो शहर में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे के बहुत करीब थी। हमला भी ऐसे दिन किया गया जब तेज हवा चल रही थी जिससे ये आग तेजी से फैल गई। इस हमले में शहर की 2.5 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गईं और 1 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी और इस वजह से सिंगल अटैक के तौर पर ये आज तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।